जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आपको एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो थोड़ा ट्रैवल ना वीडियो होकर थोड़ा हटके होने वाला। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी एक ट्रिप बना है, उत्तराखंड जाने वाला हूँ। तो उसी के लिए मुझे कुछ सामान की आवश्यकता थी, तो जो मैंने सामान ऑनलाइन परचेस किया है आज मैं थोड़ा उन्हीं का रिव्यू देने वाला हूँ। तो वो आप देखिए, जैसे कि मैंने लिया है ये माइक, मेरे पास अभी था ये ले, जो मेरी अभी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इससे रिकॉर्ड, लेवल माइक से हो रही है, क्योंकि लीड वाले माइक में थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब अपन वॉइस रिकॉर्ड, इसलिए मैंने एक बजट में देखा। फिर ये मेरे बोया MM1 माइक जो तकरीबन मुझे 1400 का पड़ा ऑफर के साथ, वैसा इसका प्राइस अमेजोन पर 2000 घटता बढ़ता। और साथ में एक हमने मंगाया है पावर बैंक, क्योंकि बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, साथ में पावर बैंक भी है। एक ये पावर बैंक 20,000 mAh का, ये भी तकरीबन उतना ही का पड़ा, 1500 का पड़ा। और एक मंगाया है मैंने अपने कैमरे के लिए बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी। पहले आप माइक से शुरुआत करते हैं। बॉक्स खाली कुछ नहीं, ये ऊपर ही डला था, पहले खोल कर देख लिया था क्या कैसा है, चेक करने के लिए बाद में रिव्यू दे रहे हैं बुक पढ़ने के लिए। ये तो कुछ काम की नहीं, कोई नहीं पड़ता इसको। ये हमारा बोया MM1 माइक, आप देख सकते हैं इसमें, और इसके साथ ये कैमरा का माउंट, सू माउंट आया है साथ में। एक केबल ये है और एक केबल, दो केबल आई हैं इसके साथ में, और साथ में एक कैरी बैग इसका छोटा सा, क्वालिटी ज़्यादा खास नहीं है। और एक और क्या है, वारंटी कार्ड, ये भी कुछ काम का नहीं है अपने काम का। जो माइक टेस्टिंग है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, पहले दो अदर आइटम और देख लेते हैं। ये है 20,000 mAh का पावर बैंक, ये है 20,000 mAh का पावर बैंक जो मैंने अभी फिलहाल में अमेज़न से लिया था। इसके साथ में आई एक सी टाइप केबल, इसको रख देते हैं बाजू में, बट अंदर फंसी है अब। वो तेरी ऐसा कैसा लॉक हो गया। पावर बैंक के साथ में सी टाइप केबल, और एक आइटम ये है, आप इसको देख सकते हैं, ये है कैमरे की बैटरी जो मैंने एक्स्ट्रा मंगाई है। मेरे पास दो ऑलरेडी और थी, एक और एक्स्ट्रा मंगा ली है, क्योंकि बैटरी रहेगी तो भाई तभी तो अपन रिकॉर्ड कर पाएंगे। सॉरी, कार्ड बताना भूल गए, कार्ड डला है मेरे भी कैमरे में 128 GB कार्ड, वो भी समथिंग 1200 रुपये का आया था। ये बैटरी बॉक्स अच्छी सेफ्टी के साथ आया है, ये बैटरी है आप देख सकते हैं, फोटोन की बैटरी है, काफ़ी अच्छा बैकअप है इसका, मैंने अच्छा ट्राई किया है। ये भी तकरीबन मुझे 1400 रुपये की पड़ी थी, और इसमें बॉक्स तो काफ़ी अच्छा, मैं अपनी दो बैटरी अलग से एक्स्ट्रा कैरी कर सकता। कार्ड रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह दी गई है, SD कार्ड MSD कार्ड दोनों कार्ड रखने के लिए जगह दी गई है। तो दोस्तों चलो बोया MM1 माइक की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हमने माइक लगा दिया है, और जो मेरी अभी आप वॉइस सुन रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी, वो आ रही है बोया MM1 माइक से। तो आप बताइए आवाज में क्या डिफरेंट है बोया MM1 में और बोया M1 में। मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें कुछ खास अंतर नहीं, मतलब जितने टेक्निकल लोगों ने बताया, मैं ज्यादा टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं, बस नॉर्मल जानकारी रखता हूँ। मुझे जितने लोगों ने बताया, क्योंकि वॉइस तो सेम है, बस सिर्फ अंतर ये है कि इसकी जो लीड रहती है, ये लीड रहती है बहुत बड़ी, 3 मीटर की लीड ये रहेगी अलग से, उसमें ये छुटकारा बन जाता है। बाई चांस आपको ब्लोइंग करनी है तो आप शायद सीधा हैंड वेल ब्लोइंग कर सकते हैं, माइक वॉइस सेम रहेगी आपकी। बाकी इसकी जो बेस्ट सेटिंग रहेगी DSLR की, मैं उसको शॉर्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जरूर डाल दूंगा, कि मतलब कि इसकी जो DSLR की बेस्ट सेटिंग है वो कैसे करें। तो दोस्तों मैं एक बार और बताना चाहूंगा आपको, मेरी आज की शाम की टिकट है, बाई चांस अगर आपको जाना है तो मैं हर एक छोटी से छोटी चीज कवर करूंगा, कि आप कैसे जाए, कैसे रहें, कहां रहें, क्या खाएं, तो बिल्कुल बजट में, वहां से 30 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है, उसको भी साथ में एक्सप्लोर करें। दोस्तों तो बने रहिए आपके अपने चैनल पे, और चैनल के सपोर्ट के लिए तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, टिल देन बाय।